दोस्तों आपका हमारे चैनल कुक विद ककनक में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उत्तराखंड की फेमस ककड़ी यानी खीरे और उड़द दाल की बड़ी बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी बड़ी बनाने की विधि। ले ली है मैंने उड़द की दाल और चने की दाल जिनको रात भर मैंने भिगो के रख लिया है। इसमें से अब हमको इसके सारे काले छिलके निकालने हैं। तो मैं ये काले छिलके ऐसे करके और इनको 8 से 10 बार वॉश करके इनके सारे काले छिलके निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने इस दाल से सारे छिलके निकाल लिए हैं, इसमें थोड़े बहुत छिलके रह गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इतने सारे छिलके निकाल लिए। इन छिलकों को अब हमने फेंक देना है और इसको हम ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे बिल्कुल बारीक तरीके से। पर दाल का मैंने अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है। दाल को पीसते वक्त हमको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना, बिना पानी मिलाए इसको हमें पीसना है। अगर हम पानी मिलाएंगे तो हमारी जो बड़ियाँ हैं वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। तो चलो आप अपने दाल तो पीस लिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने खीरे को कद्दूकस करना। तो आइए स्टार्ट करें, खीरे को कद्दूकस करते हैं। ले लिया है मैंने एक खीरा जिसे ककड़ी कहते हैं, इसको हम अच्छे से कद्दूकस करेंगे। चलो करते हैं कद्दूकस। यहाँ पर खीरे को कुकुम्बर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके अंदर का जो भी पार्ट है सारा मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी अच्छे से। तो चलिए ये करते हैं इसको हम कद्दूकस। और यहाँ पर मैंने अच्छे से ककड़ी को कद्दूकस कर लिया है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल के फेंक देंगे और एक इस ककड़ी को एक प्लेट में अलग से रख लेंगे। इसका सारा पानी, जितना पानी हो सके हमें अच्छे से निकाल लेना है। यहाँ पर मैंने खीरे में से सारा जो पानी है वो अलग कर लिया। जितना पॉसिबल हो सकता है उतना पानी मैंने इस खीरे में से निकाल दिया है। जो हमारी ककड़ी है, जो हमारा खीरा है, इसको हम अच्छे से अपनी दाल में मिला लेंगे। जो हमने दाल पीस के रखी है इन दोनों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। मिक्स करने के बाद हम इसको धूप में सुखा देंगे। पहले इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी बड़िया बनाना। बढ़िया बनाने के लिए मैंने छत ने बिछा लिया एक चादर और उसके ऊपर से हम पन्नी रख लेंगे और जो हमारे खीरे और दाल है उसको अच्छे से अपनी बड़ियों की शेप देना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं 1 बाय 1 बड़ी को शेप दे देकर इनको सुखाती रहूँगी अच्छे से। बड़ी को हमको अच्छे से सुखा लेना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी। कम से कम इन्हें हमें 2 से 4 दिन तक का तो सुखाना है। बड़ी हम ना ज़्यादा छोटी बनाएंगे ना ज़्यादा बड़ी बनाएंगे, हमें बड़ी मीडियम साइज़ की बनानी है। आप देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रही, थोड़ी सी बड़ी ले रही हूँ और इनको ऐसे सेप देती रह रही हूँ। हमें बड़ी को बस ऐसे करना है, रख कर हल्के से हाथ से ऐसे कर लेना है और ऐसे ही हम अपनी सारी बड़ियों को सेब देते रहेंगे। यहाँ पर मैंने सारी बड़ियों को सेब दे दिए हैं। अब इनको हम 4 से 5 घंटे तक आज सुखा लेंगे और हमें इनको 3 से 4 दिन कम से सुखाना। पर मैंने दे दी अपनी बड़ियों को सेब सारे अच्छे से। अब इसको हम 3 से 4 घंटे तक एक साइड से सूखने देंगे और फिर हम इसे पलट देंगे, दूसरी साइड से सुखाएंगे। ऐसे ही हमें 3 से 4 दिन तक अपनी बड़ियों को अच्छे से सुखाना है और फिर हो जाएंगी तैयार हमारी अच्छी सी बड़ियाँ जिसे हम खा सकते हैं चावल के साथ। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ियाँ हैं वो अच्छे से सूख चुकी हैं और अब इसके हम आसानी से भात के साथ या चावल के साथ, पर आप देख सकते हैं हमारी बड़ियाँ अच्छे से बन के तैयार है। यहाँ 3 से 4 दिन मैंने इसको अच्छे से सुखा दिया। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सूख चुकी है और ये अच्छे से अंदर से सूख चुकी है और अब ये रेडी है कि हम इनको चावल के साथ बनाकर खाएं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि बड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है चावल के साथ खाने के लिए। तो गाइस बताइए आपको हमारी बड़ी बनाने की विधि कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।